हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सभी कोई अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये हम लोग गए थे हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए। कोविड शील्ड हम लोगों को लगी है आज, और आज डेट है शायद 28। और ये फूल रखे हैं पूजा के लिए। और वैक्सीन के बाद कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ना मेरे मतलब मुझे पर्सनली मेरे शरीर में जलन सी हो रही है। और ये जब पापा आए थे हमारे, तो कुछ मन्नत वगैरह की गई थी हमारे घर में, मतलब कुछ ब्राह्मण भोज कराएंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे जो हमारे ब्राह्मण हैं, तो वही इसके लिए सब्जी बना रही थी मैं। और मौसी रहती है मेरे साथ में, और छोले सब्जी मैं चला रही थी। फिर मैं मुझे कुछ काम आ गया था, तो फिर मैं मौसी को बोल के गई थी कि आप चलाइए जब तक, और मैं आती हूँ। तो वही मौसी सब्जी बनाती, और मौसी हमारी बहुत अच्छी सब्जी वगैरह बनाती हैं, खाना वाना अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा। और माँ के हाथ के खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है, और बिल्कुल नए ट्रिक से बनाया था उन्होंने छोला। हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाया था उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, बहुत टेस्टी भी बनी थी सब्जी। और ये देखिए अभी मसाला, मतलब आलू भून के निकाल लिए हैं, फिर इसके बाद मसाला भूनेंगे, इसमें फिर छोले भी डाल देंगे, वो ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने बनाया था, और ज़्यादा सी बननी थी इसलिए मतलब भट्टी जला के रखी थी। और मसाला भुन गया था, प्याज वगैरह सब, और ये टमाटर था लास्ट में रह गया था, मतलब भूल गया था भुनने के लिए। तो बस ये मसाला वगैरह भुनेंगे। और ये देखिए जामुन खा रहे हैं सब कोई, तो इस समय जामुन का सीजन है ना, तो जामुन बहुत ज़्यादा घर में आ रही है और सब खाते हैं, जिसको पसंद है। मुझे भी पसंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है कि बहुत ही ज़्यादा खाऊं। और ये मौसी, छोटी वाली भाभी और ये बुआ बैठी हैं, ये बुआ और ये भाई जामुन लेने आए हैं। और वैक्सीन के बाद मैं ये ओवरवाइज कर रही हूँ, वैक्सीन आज मुझे लगा है। और ये मेरी चाची खड़ी हैं, ये बड़ी मम्मी हैं जो बैठी हैं ब्लू साड़ी में मेरी। और ये देखिए छोला बन के रेडी। और इतनी ज़्यादा मैं मतलब फ़ैन ऑफ करके मैं आप ओवरवाइज कर रही हूँ, मैं एक्लिप ये काफ़ी टाइम की हैं, तो मेरे शरीर में ना पूरी जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। और वैक्सीन के बाद बोलते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। ये देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, और बस ऐसे चल रहा था, थोड़ा सा कुछ देख रही थी कैसे दिखी होगी शक्ल, देख रही थी इसमें। और ओवरवाइज नहीं कर, मतलब कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो ये सोचा कि बोला था, लेकिन ओवरवाइज फिर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, ओवरवाइज कर लेंगे फिर। तो इसके लिए और सब्ज़ी बनकर हमारी रेडी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन में थी, तो इसको पलटने के लिए भी टाइम लग रहा था। तो ये मौसी के लिए निकाल रहे थे, उनको आमचूर वगैरह सब मना है डॉक्टर से, तो ये मौसी के लिए निकाल रही थी। और ये सब मिक्स करके जो और मसाले थे, और ये सब इसमें पलट ले रही थी मैं। और ये कढ़ाई उठाने के लिए हिम्मत नहीं थी मेरी, बहुत बड़ी थी ना, तो उसको मैंने फिर एक छोटे से चाय वाले डंके से पलट पलट के मतलब निकाल लिया पूरी। और ये मेरी नंद भी आ गई थी पापा को देखने के लिए, तो बस मैं पूरी नहीं तल रही थी, तो वो साथ में पूरियाँ डाल रही थी और मैं तल के निकाल रही थी, कुछ तो बोल रही हैं। और अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो सोच समझ के लगवाइएगा, गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि वैक्सीन के बाद। और पूरियाँ और कुछ बात भी हम लोग करते जा रहे थे, पता नहीं क्या। जैसे पापा आए थे हमारे, और इधर देखिए खाना, ये छोटी छोटी सी पूरियाँ जो है ना सैम में तलवाई हैं, कि मैं छोटी सी पूरी खाऊंगी, बिल्कुल छोटी छोटी, कितनी सारी पूरियाँ उसने बनवाई थी, पूरियाँ निकाल रही थी ना, खाने के लिए मतलब खाना भी रेडी हो गया था। तो ये था कि जैसे जैसे बनता जा रहा है, आपको खाना भी लगाते जाए, ताकि सबको खाते भी जाए, तो फिर भी होते जाए कि पूरा दिन बन जाता है, अगर ज़्यादा लोग खाने के लिए, तो बस दुआ खाना, ये हमारी दुआ है, बड़ी दुआ है हमारी, तो खाना लगाते जा रहे थे। और ये हम लोग पूरियाँ तल रहे थे, थोड़ी बहुत पूरियाँ नहीं थी, बहुत देर तक बैठ के तलना पड़ा था, लेकिन अच्छा लगा, साथ में मिलकर काम करते हैं तो अच्छा लगता है सभी को। और बस ऐसे निकालती जा रही थी और बहुत खाना लगाई। इसके बाद मेरी मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की है भागवत की, हमारे यहाँ भागवत हो रही थी, उसकी क्लिप मैंने ऐड की है, तो आप लोग भागवत एंजॉय करिएगा। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, पता चले कैसा लगा।
Thank you.